मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब से आघाड़ी सरकार हिल गई है और उससे सरकार में चल रहे घोटाले सामने आ रहे हैं। इतना बड़ा खुलासा होने के बाद भी मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की तरफ लगाया है। इसी के साथ गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी देवेंद्र फडणवीस ने की है और यह भी कहा है कि जब तक गृह मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देते और इस मामले की जांच पूरी तह तक नहीं हो जाती तब तक बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परमवीर सिंह से पहले महाराष्ट्र के डीजी सुबोध जायसवाल ने पुलिस स्थानांतरण पर भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन सीएम ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह रही कि सुबोध जायसवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पर तंज कसते हुए कहा, पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण था, उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है, अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। हमारा तो कहना है वैसे तो जांच सेंट्रल एजेंसीज ने की जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं है विश्वास तो कोर्ट मॉनिटर कीजिए, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, ये इसमें सॉल्यूशन है जिसमें दूध का दूध पानी का पानी आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, आज हमने आंदोलन किया है और ये जो वसूली सरकारी वसूली जो चल रही है इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहे। शरद पवार ने इस पार्टी को बनाया है इसलिए वो इसे बचा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की अनुमति के बाद ही सचिन वाजे का दोबारा पुलिस सेवा में बहाल किया गया था। उन्होंने कहा कि शरद पवार सच्चाई से दूर भाग रहे हैं।